हेलो नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल मज़े में होंगे और अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी कि मेरा गला ख़राब है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं आप लोगों से मिले बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ आपसे मिलने। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ नम्रता और मैं अपने चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, अभी बहुत सर्दियाँ आ गई है, ठंड बहुत पड़ने लगी है और ऐसे मौसम में हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, या फिर पहले से किसी की स्किन ऑलरेडी ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है किसी की स्किन, जैसे किसी की ऑयली स्किन है, तो उसी तरह अगर किसी की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो ये आज की रेमेडी उनके लिए है, या फिर सर्दियों में जिनकी स्किन ड्राई हो चुकी है ये रेमेडी उनके लिए है। तो फ्रेंड्स, ये रेमेडी बनाने के लिए आपको एक रुपये का भी खर्च नहीं आने वाला, एक रुपये का भी खर्च नहीं आएगा और ना ही आपको कहीं बाहर जाना है, बाहर से भी कुछ नहीं लाना है आपको, ठीक है? सारी जो इंग्रेडिएंट है सारे आपके घर में, आपके किचन में मौजूद है। और आपको मैं हर बार हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि आपका जो किचन है वो खूबसूरती का खजाने का भंडार है, ठीक है? तो मैं जल्दी से किचन से वो चीज़ लेके आती हूँ और यहाँ पर आपको फटाफट से बनाकर दिखाती हूँ, ठीक है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है खाली बाउल, देख रहे हैं आप। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको जब भी आप चेहरे पर कुछ अप्लाई करें तो आप अपना चेहरा वॉश करके आ जाइए, ठीक है? या फिर नहीं तो रॉ मिल्क होता है उससे चेहरा साफ़ कर लीजिए, या फिर नहीं तो रोज़ वाटर से, वो भी नहीं तो फेस वॉश कर लीजिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम लेते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ली है मलाई, ठीक है? जैसे आपने रात को दूध गर्म किया तो आपकी मलाई शाम तक अच्छी जम जाएंगी, तो आप शाम को ये रेमेडी यूज़ कीजिए सोते समय। अगर नहीं तो रात में दूध गर्म किया है तो सुबह ले लीजिए। मैंने अपने चेहरे पर ही लगाने के लिए लिया है ये थोड़ा सा, आधे चम्मच से भी कम है ये मलाई। और हमको यहाँ पर दूसरी चीज़ लेना है, रोज़ वाटर ले रही हूँ मैं यहाँ पे, सिर्फ दो बूंद, ठीक है? और इसके बाद हमको थर्ड रेमेडी लेना है लेमन, लेमन जूस हमको चाहिए सिर्फ दो बूंद, ठीक है? ज़्यादा नहीं मिलाना है हमको, तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, ठीक है? इसका बीज अब गिर गया, तो हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद हम इसको अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे बिल्कुल क्रीम की तरह, ठीक है? अब हमको क्या करना है, ये दो उंगलियां दिख रही ना, इसी से इसको अप्लाई करना है, ठीक है? अच्छी तरह 10 मिनट तक के अच्छी तरह इससे मसाज कर लीजिए, ठीक है? जो मलाई है, मलाई में मौजूद प्रोटीन जो होता है वो आपके स्किन के डेड सेल्स को निकाल कर
नए सेल्स की ग्रोथ को बढ़ाता है, और दूसरा मलाई में जो है वो एंटी एजिंग गुण होते हैं, जो कि आपके चेहरे पर एजिंग के बिल्कुल भी साइन नहीं दिखेंगे इसको यूज़ करने से। सर्कुलर मोशन में जहाँ जहाँ यहाँ ज़्यादातर ड्राई हो जाती है स्किन नोज के पास, यहाँ जो उठे हुए पोर्शन है ना, ये जैसे ये अक्सर ड्राई हो जाते हैं, तो हमको क्या करना है वहाँ पर अच्छी तरह इसको रब करना है। मलाई जो है स्किन में कोलेजन को बढ़ाने में मदद करता है, और जो फाइन लाइंस होती है यहाँ कहीं पे भी हो जाती है फाइन लाइंस और झुर्रियों को ये दूर करता है, इसीलिए हमको मलाई का उपयोग करना चाहिए। और नींबू जो है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, जो कि हमारे चेहरे के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही फ़ायदेमंद है, इससे दाग धब्बे भी दूर हो जाते हैं। अच्छी तरह पूरे चेहरे के मसाज कर ले। और आपको एक बात मैं और बताऊंगी कि मलाई किसे यूज़ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो मलाई सेंसिटिव स्किन वालों को यूज़ नहीं करनी है, दूसरा ऑयली स्किन वालों को मलाई यूज़ नहीं करनी है, और तीसरा जिसको एक्ने है, एक्ने पिंपल्स की जिनको प्रॉब्लम है, उनको मलाई यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। सिर्फ ये ड्राई स्किन वाले और जिनकी अभी सर्दियों में ड्राई स्किन है उनको ये मलाई यूज़ करनी है, ठीक है। ये स्टेप आप जब भी कुछ जैसे लिक्विड फॉर्म में जैसे ऑयल हो गया मलाई हो गया, जब भी आप ऐसे कुछ चीज़ लगाए तो ये दो हाथों से ना इसको उठाना ना भूले, आईब्रो को, ये कभी ऐसे झूलेंगी नहीं, लटकेंगी नहीं। आपकी एज कितनी भी हो जाएंगी फिर भी आपकी आईब्रो जो है यहाँ से जो है आपका ये उठा हुआ ही रहेगा, ठीक है। तो आपको दोनों हाथों की दो उंगलियाँ लेनी है और इसको कैची पोर्शन में चलाना है, ठीक है। देखते रहिए आप, सॉरी। एक मिनट तक के, और अब इस साइड का, ये बहुत ज़रूरी है, ये ठीक है, ये जो डबल चिन होता है ना उनके लिए है। पीछे तक जाने दीजिए, ठीक है। और अगर आपको फाइनल यहाँ पे झुर्रिया है, ठीक है, लाइनें पड़ गई है, तो आपको मुट्ठी बांध लेनी है। मुट्ठी बांधने के बाद ये जो दिख रहा है ना, ये इससे करना है आपको, ठीक है। ऊपर की तरफ उठाते हुए मसाज कीजिए, ऊपर की तरफ आपको इसलिए करना है क्योंकि आपकी स्किन जो ऐसे झूल गई है बिल्कुल, ये उसको ठीक करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कब यूज़ करनी है, ये आपको यूज़ करनी है रात को सोते समय, ठीक है। अगर आपको रात को सोते समय ये कंफर्ट नहीं लगता है कि ये चेहरे पर लगा के सोए, तो आप क्या कीजिए, कॉटन बॉल ले लीजिए, ठीक है, कॉटन बॉल लेके इसको उतार लीजिए, कॉटन बॉल से इसको उतार लीजिए और बिना चेहरा धोए वैसे ही सो जाइए, ठीक है। लेकिन लगाने के 15-20 मिनट तक चेहरे पर लगे रहने दीजिए, उसके बाद इसको कॉटन से निकाल लीजिए, चेहरा ना धोए वैसे ही सो जाए, ठीक है। और अगर आप सुबह यूज़ करना चाहते हो तो सुबह रख सकते हो आप इसको आधे एक घंटे के लिए, लेकिन रात में ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा, जब आपकी स्किन जब आराम करती होंगी ना, आप जब आराम करोगे तब आपकी स्किन बहुत यानी कि वर्क करती है चेहरे पे, शांत बिल्कुल,
तो आप इसको रात में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर रात में आपको आप रात में कुछ और चीज़ लगाते हो नाइट क्रीम वगैरह, तो फिर आप इसको सुबह भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैंने निकाल लिया है, आप भी इसी तरह इसको निकाल लीजिए और सो जाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, बहुत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।